हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और भारतीय लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस त्योहार की तैयारी करने में लगे हुए हैं। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों की 9 दिनों तक पूजा करने के लिए माना जाता है। इन शुभ 9 दिनों को भक्तजन देवी का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं, जबकि 9 दिनों का उपवास कोई भी भक्त द्वारा रखा जा सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को बेहद ही सावधान रहना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य के विकास के लिए माँ को अपनी खान पान की आदतों का खास ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को, थोड़ी थोड़ी देर में और कम मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है, ताकि ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहे और रोजाना पोषण भी मिलता रहे। इस समय तक व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती है। हालांकि अगर आप नवरात्र में व्रत रखने की सोच रही हैं, तो आपको इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जिससे बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहें। तो चलिए जानते हैं व्रत रखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि उनको आपके केस की अनुसार जानकारी ज्यादा होती है। वो ही आपको सही तरीके से बता सकते हैं कि आपको व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं। नंबर 2, व्रत के दौरान अधिक से अधिक पानी, नारियल पानी और जूस आदि लिक्विड डाइट लें। नंबर 3, तली भुनी चीजों को अवॉइड करें। इसकी जगह पर आप पौष्टिक चीजें जैसे कि फल, जूस आदि ज्यादा से ज्यादा लें। नंबर 4, व्रत के दौरान किसी भी तरह के भारी काम को करने से बचें। नंबर 5, निर्जला व्रत रखने की भूल बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके लिए समस्या बढ़ सकती है और आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए आप निर्जला व्रत ना रखें। नंबर 6, हर 2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा करके खाती पीती रहें, ताकि आपका पेट भी भरा रहे और आपका व्रत भी हो जाए। नंबर 7, व्रत के दौरान बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखें और किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।